दोस्तों, हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि किस तरह से गहलोत सरकार के राज में बने नए जिलों और संभाग के रिव्यू के आदेश दिए गए हैं। मतलब कि इन 17 जिलों और संभाग पर अब खतरा मंडरा रहा है। अब इस बार कांग्रेस के सीनियर नेता हेमाराम चौधरी ने ताल ठोक दी है इस बात पर। सीएम भजनलाल शर्मा के लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। चौधरी से रिव्यू को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये सपना देख रहे हैं, सभी नए जिले निरस्त नहीं हो सकते। नए जिले बन गए, इनका काम शुरू हो गया, अब किसी का बाप भी इनको बदल नहीं सकता। कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी ने ये बयान 2 दिन पहले अपनी जैसलमेर यात्रा के दौरान दिया था। नवनिर्वाचित बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मीदराम बेनीवाल के सम्मान कार्यक्रम में वे भी जैसलमेर साथ आए थे। इस दौरान उन्होंने जिलों के और संभागों के बीजेपी द्वारा रिव्यू करने के सवाल पर यह बयान दिया था। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में पिछले साल बनाए गए 17 नए जिलों और 3 संभागों के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण करने और इस फैसले का रिव्यू करने के उद्देश्य से एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है। राजस्थान की पिछली सरकार में नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप देने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन जो किया गया है, अब नए जिलों की गठन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बनाए गए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का संयोजक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है, जबकि मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा, मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है। समिति का प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग होगा और उसके सदस्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव शासन सचिव राजस्व विभाग होंगे। अब यह कमेटी नए जिलों के गठन पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देगी। सरकार के रिव्यू के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी अब एक बयान सामने आया है। अशोक गहलोत ने उनके समय में हुए इस निर्णय को प्रदेश के हित में बताया। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारी सरकार ने राजस्थान में नए जिले रिटायर्ड IAS राम लुभाया की समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाए। राजस्थान में नए जिलों की सख्त आवश्यकता थी। क्षेत्रफल में राजस्थान से छोटे मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में भी 33 जिले हैं। हमारी सरकार में प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने और सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए नए जिले बनाए थे और वहां कलेक्टर, SP और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को तैनात भी किया। रिव्यू आदेश पर अब कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी काफी नाराज नजर आए हैं। उन्होंने इस मामले पर CM भजनलाल शर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि भजनलाल का बाप भी अब इसे बदल नहीं सकता, किसी का भी बाप अब इस फैसले को नहीं बदल सकता। हालांकि हेमाराम चौधरी के बयान के बाद अभी तक किसी भी भाजपा नेता की प्रतिक्रिया नहीं आई है। बाड़मेर जिले की गुड़ामलानी सीट पर हेमाराम चौधरी का वर्चस्व रहा है। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में वन मंत्री रहे हैं। 2023 में उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हेमाराम चौधरी गुड़ामलानी से 6 बार से जीते हैं। हेमाराम चौधरी ने 1980 में गंगाराम चौधरी को हराकर गुड़ामलानी सीट जीती थी और इसके बाद से हेमाराम चौधरी का वर्चस्व रहा। 1998 से लगातार हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे। 2013 में वे भाजपा के उम्मीदवार लादूराम विश्नोई से हारे थे। 2018 में फिर से विधायक बने और 2023 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी YouTube और Instagram पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान SK क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा Instagram और YouTube का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और Instagram पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी, सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कॉन्टेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र
एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, BEd, BA, BEd, BSc, BEd, BSc, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।